हेलो डियर स्टूडेंट, द क्वेश्चन सेज वी आर ड्राइविंग अलोंग अ हाईवे एट द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 55 माइल्स पर आवर. यू ऑब्जर्व अ कार 1/2 माइल बिहाइंड यू. द कार इज मूविंग फास्ट एंड जूम्स पास्ट यू एग्जैक्टली 1 मिनट लेटर. हाउ फास्ट इज दिस कार ट्रैवलिंग MPH mile per hour if its speed is constant. Now the question says the speed of your car, जो कार आप बैठे हुए हैं उसकी स्पीड दे रखी है. The speed of your car in which you are seated, which is 55 mile per hour, but the another car which you observe, suppose you are staying at this moment, right? You are going in this direction, right? Another car is behind your, like this position, right, which is 1.5 mile behind. This distance is 1/2 mile, but this car, right, suppose we take the car which is behind you, इस कार ने आपको 1 मिनट में 1.5 mile की दूरी कवर करके मीटअप कर लिया, राइट, मिल लिया. तो हम इस चीज को ऐसे कह सकते हैं, ये जो कार है वो हाफ माइल 1 मिनट में कवर कर लेती है. हैव यू अंडरस्टैंड? सो वी कैन से द स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर कार इज 1/2 mile per minute. हैव यू अंडरस्टैंड? Because the speed is equal to what? Distance upon time. Or you can say distance per time. So we're talking about 1/2 mile per minute. So you can say in 1 hour, how much mile it will cover? So you can say 1 minute. If we multiply with 60, so it convert in 1 hour. Is it clear? So we can say the speed of that car, which is 30 mile per hour. So we calculate the speed of that particular car, which is not actual. हमारे से इस पूरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हाउ फास्ट इज द कार ट्रैवलिंग इफ इट्स स्पीड इज कांस्टेंट. उस कार की चाल पता करना है, स्पीड पता करना है, राइट, कितना तेज चल रही है ये पता करना है, राइट. तो अब मैं जिस डायरेक्शन में जा रहा हूं, पीछे से वो कार भी मेरे पीछे करते हुए आगे बढ़ रही है, मतलब दोनों ही गाड़ियों की जो डायरेक्शन है वो सेम है. जो दोनों गाड़ियां आप चल रहे हैं, जिसमें आप बैठे हो, जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो दोनों सेम डायरेक्शन में है. तो पीछे वाली गाड़ी 30 के रफ्तार से आ रही और आप भी तो चल रहे हैं 55 से, तो भाई 55 से आप भी चल रहे हैं. तो टोटल मिला के आपके पास जो स्पीड है, जो गाड़ी आपके पास आई है, उसकी रफ्तार कितनी होगी? 85 mile per hour. So now my final answer of this question is 85 mile per hour, because this question asking the speed of the fast car, right? तो आप भी जिस रफ्तार से चल रहे हैं और पीछे जो कार ने आपको ओवरटेक करने का प्रयास किया, वैसे ये ओवरटेक नहीं है, ये मीटअप है, ये जूम पास्ट, इस वर्ड को समझना पड़ेगा, मतलब आपको ज्वाइन किया उस कार ने, राइट, तो उसकी स्पीड कितनी होगी? तो भाई
आधा माइल वो 1 मिनट में कवर कर रही है और आपकी स्पीड 55 है तो वो भी आपके साथ ही चल रही है, तो टोटल मिला के वो 85 के रफ्तार से चलने लग रही है। नाउ द करेक्ट आंसर इज 85 माइल पर आवर। कैसा लगा ये क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा, और यदि कोई क्वेरी है तो आपके इनपुट कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। TCS NQT का बहुत ही शानदार सवाल, कई बार पेपरों में जरूर पूछा जाएगा इस तरह का सवाल। जुड़े रहिए मैथ्स में आंसर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू।